फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन लेके आते हैं। तो आज स्पेशली दोस्तों आइस स्नो मेकिंग मशीन का जंबो वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर हर एक प्रोडक्ट को लाइव बना के दिखाएंगे, जिसमें आज स्पेशली 2023 का न्यू मॉडल लॉन्चिंग किया है। 4 फ्लेवर की आइस स्नो मेकिंग मशीन इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया दोस्तों डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी में। यह मशीन आपको पूरे इंडिया में कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड के पास अवेलेबल नहीं मिलेगी, ओनली ऑन डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी के पास अवेलेबल मिलेगी। 4 हेड आइस स्नो मेकिंग मशीन दोस्तों, जैसे कि सिंगल फ्लेवर और डबल फ्लेवर हमने 2021 में लॉन्च की थी दोस्तों, और 3 फ्लेवर की मशीन 2022 की स्टार्टिंग में लॉन्च की थी दोस्तों, और आज 24 दिसंबर 2022 का दिन है, 4 हेड की आइस स्नो मेकिंग मशीन लॉन्च की है। ये मशीन के अंदर से आप दोस्तों क्या-क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, ये वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को कंटिन्यू चालू रखिए, कंटिन्यू बने रहे, जिससे आपको मालूम पड़े कि एक कप कितने का पड़ेगा और कौन सा प्रोडक्ट आप इसके अंदर बनाने वाले दोस्तों, और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये 4 हेड की मशीन में हम आज दोस्तों 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने वाले दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप कंटिन्यू बने रहे, तभी आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों। और एक कौन एक कप कितने का आपको एक कप गिरेगा, बाजार में कितने में सेल होगा, मशीन के अंदर क्या क्या खासियत है, मशीन के अंदर क्या क्या फंक्शन है, कितना हार्डनेस सॉफ्टनेस बनता है, टोटली चीज ये मशीन के अंदर डाली हुई हमने, तो वीडियो में पूरी हम बताएंगे। प्रोडक्ट हम क्या क्या बनाने वाले दोस्तों, एक कोई भी प्रोडक्ट हम मिल्की बनाने वाले हैं, जैसे कोल्ड कॉफी है, कोल्ड कोको, ऐसी एक मिल्की आइटम बनाने वाले हैं। एक ब्रांडेड कंपनी मालास कंपनी का सिरप डाल के शरबत बनाने वाले दोस्तों, एक होममेड रेसिपी का फ्लेवर बनाने वाले दोस्तों, और एक में गन्ने का फ्रेश और नेचुरल जूस बनाने वाले दोस्तों। यहाँ पे गन्ने की मशीन है और हमारे पास यहाँ पे गन्ना भी पड़ा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं शुगर केन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो एक में हम शुगर केन का जूस भी बनाएंगे दोस्तों। मशीन फिलहाल चालू करके हमने रखी है, 4 हेड की मशीन चालू करके, चारों चार में लाइट स्टार्ट है, यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले स्टार्ट है दोस्तों। तो अभी हम सबसे पहले आपको मिल्की आइटम बना के दिखाएंगे। ये मिल्क ऑलरेडी हमने इसमें 2.5 लीटर मिल्क फिलअप कर दिया है, हमारे पास ये पैकेट पड़ा हुआ है कोल्ड कोको का पैकेट पड़ा है, अभी हम कोल्ड कोको का पैकेट इसके अंदर फिलअप करेंगे दोस्तों। ये पैकेट इसमें ये कोल्ड कोको का पैकेट में कोल्ड कोको का फ्लेवर डाल दिया हमने इसमें, अभी हम इसको मिक्सिंग करेंगे, हमारे पास ब्लेंडर है, इससे अच्छे से बेटरली मिक्स कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली इसको अच्छे से मेल्ट कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी हम इसको निकाल देंगे इसमें से। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ गया, एक मिल्की आइटम रेडी हो चुका है, एक ये मालास का सिरप रेडी हो चुका है, और एक होममेड फ्लेवर तैयार है हमारा, ये भी तैयार करके हमने रखा हुआ है, होममेड फ्लेवर है। और अभी नेक्स्ट अभी हम शुगर केन का जूस निकाल के डालेंगे इसमें, शुगर केन के हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए आप देख सकते हैं शुगर केन, ये शुगर केन हम इसमें से जूस निकाल के आपको लाइव जूस लगा के इसमें डालेंगे, हमारे पास बैटरी ऑपरेटेड शुगर केन मशीन तैयार है, आप देख सकते हैं अभी हम शुगर केन लगाएंगे इसमें। आप देख सकते हैं एकदम फ्री फ्रेश क्लीन शुगर केन का जूस निकल रहा है इसमें से, आप देख सकते हैं गन्ना जूस निकल रहा है एकदम फ्रेश और ताजा पूरा गल के। और ये भी मशीन हमारी वन टाइम क्रशिंग है, एक ही बार गन्ना डालना है, आप दोस्तों देख सकते हैं इसका वन टाइम में कितना क्रशिंग है, पूरा पीछे से एकदम छोल निकल रहा है मशीन के अंदर से। ये दूसरा हम गन्ना डालेंगे इसमें, इसका जो वेस्टेज है पीछे से आ रहा है दोस्तों, यहाँ से इसका वेस्टेज आ रहा है, अब देखिए पूरा एकदम चूरा निकल रहा है इसमें से, जरा भी एक बूंद जूस नहीं है इसके अंदर। वन टाइम में 97% क्रशिंग हो जाएगा दोस्तों इसमें। देखिए फ्रेश टू फ्रेश क्लीन जूस निकल रहा है, गन्ने का गल के निकल रहा है, गालने का भी आपको जरूरत नहीं है जरा भी। कितना क्वांटिटी में हम जूस निकाल रहे हैं वो भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं मशीन के अंदर, तो लगा के छोड़ देना है आपको, पकड़ के नहीं रखना है दोस्तों।
आप देख सकते हैं जूस प्रॉपरली निकल रहा है इसके अंदर से। अभी जूस प्रॉपर्ली निकल चुका है, हमको जितना रिक्वायरमेंट है स्लश बनाने के लिए उतना जूस हमने निकाल दिया इसके अंदर से। मशीन बंद कर दिया हमने, आप देख सकते हैं पूरा ये प्रॉपर्ली निकल चुका है। अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक में गन्ने का जूस है बेहतरीन क्वालिटी का, एक में हमने ऑरेंज का सिंथेटिक मटेरियल और एक में मालास कंपनी का है और एक में मिल्की आइटम। अभी हमें मशीन के अंदर से गुजारेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला गन्ने का जूस डाल देंगे इसमें हम, ये शुगर केन जूस डाल दिया हमने इसमें एक टैंक में। दूसरे टैंक में हम यहाँ पे सिंथेटिक हमारे पास जो फ्लेवर पड़ा हुआ है ये डालेंगे इसमें ऑरेंज का। दूसरे टैंक में सिंथेटिक फ्लेवर डालेंगे ऑरेंज का, आप देखिए हमने ऑरेंज का जूस डाल दिया इसमें। तीसरे टैंक में हम डालेंगे यहाँ पे हमारे पास मिल्क शेक जो कोल्ड कॉफी का पड़ा हुआ है ये डालेंगे इसमें, आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपरली ये भी लगा दिया हमने इसमें। और फोर्थ फ्लेवर है हमारे पास मालास कंपनी का जो हमने यहाँ पे ब्लूबेरी का लिया हुआ है, ब्लूबेरी का फ्लेवर है ये फिल करेंगे इसमें हम। तो ब्लेड लाओ तो पक पाए पड़ी सी, ये मालास कंपनी का ब्लूबेरी का फ्लेवर है ये डालेंगे इसमें हम। इसमें पहले सिरप थोड़ा डालेंगे इसमें और थोड़ा भी बाद में पानी ऐड कर देंगे इसमें, वाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने वाटर लेके रखा हुआ है, हमारे पास वाटर भी पड़ा हुआ है इसमें, ये वाटर ऐड कर देंगे इसमें। तो वाटर भी ऐड हो चुका है, अभी हम मशीन को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ मशीन का स्विच है, ये मशीन का वो स्विच स्टार्ट कर दिया हमने। यहाँ पे फोर फ्लेवर का चारों चार डिफरेंट आइटम निकला है, शुगर केन नेचुरल और फ्रेश आइटम, सिंथेटिक ऑरेंज जूस, ऑरेंज का शरबत जो बोला जाता है इस टाइप का है, और यहाँ पे कोल्ड कोको का फ्लेवर है, मिल्की आइटम है, और यहाँ पे ब्लूबेरी मालास कंपनी का। यहाँ पे सेटिंग बढ़ा देंगे, जीरो नंबर करेंगे तो ओनली चिल्ड शरबत ही निकलेगा, ठंडा स्नो नहीं बनेगा। जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाएंगे ऐसे स्नो बनता जाएगा। अभी हम इसको फाइव नंबर का सेटिंग करते हैं, सबका सेटिंग फाइव नंबर का कर देते हैं। फाइव नंबर का सबका सेटिंग हो चुका है यहाँ पे। अराउंडली दोस्तों 15 से 20 मिनट का समय लेगा स्नो बनाने के लिए। अभी मशीन स्टार्ट है, अभी इसका लाइट भी स्टार्ट कर देंगे, लाइट स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से लाइट का स्विच है, ये लाइट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे इसका लाइट कर देंगे। चारों चार टैंक का अलग अलग लाइटिंग है, चारों चार का लाइट कर दिया हमने दोस्तों। 15 से 20 मिनट के अंदर फिर से आपके सामने लौटते आइस का स्नो बन के, आपको ग्लास में निकाल के एक कप का कॉस्टिंग कितना गिरता है, एक ग्लास का कॉस्टिंग कितना गिरता है, लाइव आपको वीडियो के अंदर बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट रखिए दोस्तों, 15 से 20 मिनट में आपके सामने लौटते हैं। थैंक यू। अभी दोस्तों आइस स्नो बन के तैयार हो चुका है, 15 से 20 मिनट का वक्त हुआ है दोस्तों। सारो चारों चार फ्लेवर का स्नो बन के तैयार है, जैसे आप देख सकते हैं गन्ने का जूस का स्नो है ये बन के तैयार है, होममेड ऑरेंज का फ्लेवर बनाया हमने ये भी तैयार है, कोल्ड कोको का फ्लेवर मिल्क बेस के ऊपर बना है ये भी रेडी है, और ब्लूबेरी का भी फ्लेवर रेडी है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वालिटी से स्नो बना हुआ है। अभी मैं आपको दोस्तों सभी फ्लेवर निकाल के सर्विंग करके बताता हूँ। स्नो देखिए आप दोस्तों, ये शुगर केन का बेहतरीन स्नो निकल रहा है इसमें से, कितना एकदम सॉफ्ट स्नो है दोस्तों। इसका क्वालिटी भी मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्वालिटी है इसका, किस टाइप का स्नो है इसका। इसका देखिए दोस्तों एकदम सॉफ्टनेस देखिए कितना सॉफ्ट है, ये बर्फ नहीं है, गोला जो रहता है वो अलग चीज है, पूरा रुई जैसा स्नो है, पूरा रुई लगता है। देखिए दोस्तों मुंह में डालेंगे सीधा पिघल जाएगा, मुंह में डालेंगे सीधा पिघल जाएगा, एकदम सॉफ्ट और हल्का है। दूसरा हम निकालेंगे यहाँ से होममेड ऑरेंज का स्नो निकालेंगे, अब देखिए कितना बेहतरीन स्नो निकल रहा है इसमें से, ये भी एकदम स्मूथ है, एकदम हल्का और स्मूथ है। देखिए इसका क्वालिटी देखिए, रुई जैसी क्वालिटी है इसकी एकदम, आपको वीडियो में मालूम पड़ेगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ आपको मालूम पड़ेगा कितना सॉफ्ट ही है पूरा। देखिए तीसरा अभी हम फ्लेवर निकालेंगे मिल्क बेस का कोल्ड कोको निकालेंगे इसमें, बेहतरीन निकला है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन निकला है दोस्तों। अब देखिए इसका भी क्वालिटी देखिए, आपको मालूम ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड ही है, स्नो है पूरा। देखिए इसका क्वालिटी देखिए कितना स्नो आ रहा है इसमें, और एकदम स्मूथ ही है दोस्तों। आदमी जब खाएगा इसको एकदम, उसको गर्मियों के मौसम में एकदम राहत होगी इसके अंदर। देखिए दोस्तों खड़े खड़े दो तीन कप खा जाएगा बंदा,
चौथा फ्लेवर हमारा मालास कंपनी का ब्लूबेरी का फ्लेवर है। ये देखिए दोस्तों, ये भी एकदम स्मूथी है दोस्तों। इसको आपको ऐसे कवरिंग करके ढक्कन लगा के ऐसे लगा देना है, ऐसे देखते हो इसका कवरिंग है। अगर कोई बंदा स्पून से खाना चाहता है या स्ट्रो से पीना चाहता है तो आप स्ट्रो और स्पून दोनों दे सकते हो उनको। अब देखिए कोल्ड कोको भी हम इसको ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर। इसकी कॉस्टिंग के भी मैं आपको रेट बता देता हूं कि एक कप कौन सा आपको कितने में गिरेगा दोस्तों। ये मिल्क बेस वाला ढक्कन लगा दिया हमने। अभी ये निकालेंगे शुगर केन गन्ने का जो है स्नो, इसका भी ढक्कन लगा देंगे। बाजार में आपने शुगर केन का दोस्तों जूस पिया होगा, नॉर्मल जूस पिया होगा, बर्फ डाला हुआ जूस पिया होगा, लेकिन स्नो अभी आपने शुगर केन का नहीं खाया होगा दोस्तों। एकदम न्यू और बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये चीज़ अगर आप दोस्तों कस्टमर को पिलाएंगे खिलाएंगे दोस्तों तो भीड़ लगेगी आपके वहाँ, क्योंकि ये चीज़ आपके वहाँ ही मिलेगी, दूसरी कोई जगह बाजार में अवेलेबल नहीं होगी दोस्तों। कॉस्टिंग की बात कर दो दोस्तों, तो अगर आप शुगर केन का जूस निकालते हो एकदम नेचुरल फ्रेश और मशीन हमारे पास से लेते हो, 97% क्रशिंग वाली एक ही बार में 97% जूस निकलती है ऐसी मशीन हमारे से लेते हो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो एक कप में एक किलो गन्ने में 750 ग्राम जूस निकलता है, मतलब 200 ml के 3 ग्लास निकलते हैं दोस्तों। एक कप का कॉस्टिंग आपको 3 से 3.5 रुपए में गिरता है। मशीन के अंदर स्नो में गुजारेंगे 50 पैसा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा और 60 पैसे का कप और ढक्कन लगेगा। 4.5 रुपए में एक कप 200 ml का स्नो शुगर केन का नेचुरल स्नो 4.5 रुपए का एक कप का लैंडिंग आपको जाएगा। बाजार में आप इसको 20, 25, 30, 35, 40 जैसा आपका एरिया, जैसा आपका मार्केट, वो हिसाब से आप बना के दे सकते हैं। सिंथेटिक ऑरेंज का होममेड फ्लेवर आप ऑरेंज का बनाते हो, एक कप बनाने का खर्चा 2 रुपए में गिरेगा। फ्लेवर, ग्लास, ढक्कन, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ मिला के 2 रुपए में, 1 रुपए 20 पैसे का फ्लेवर है, बाकी का अदर खर्चे इलेक्ट्रिसिटी कप और ढक्कन मिला के 2 रुपए में एक कप आपको होममेड पड़ेगा दोस्तों। ब्लूबेरी का जो फ्लेवर है दोस्तों मालास कंपनी की ब्रांड का क्रशिंग वाला फ्लेवर अगर आप लेते हो तो एक कप आपको 6 से 6.5 रुपए में गिरेगा दोस्तों। लेकिन ये ब्रांड का क्रशिंग फ्लेवर है मालास कंपनी का दोस्तों। और ये वाला आपको कोल्ड कोको का फ्लेवर मिल्क बेस के ऊपर, कोल्ड कोको कोल्ड कॉफी है, थिक से के मिल्क से के कोई भी प्रोडक्ट आप लगाएंगे दोस्तों तो एक कप बनाने का खर्चा आपको 14 से 15 रुपए का एक कप बनेगा, इंक्लूड एवरीथिंग, मिल्क आ गया, पाउडर कप आ गया, ढक्कन आ गया, इलेक्ट्रिक सिटी सब कुछ मिला के आपको 14 to 15 रुपीस का कप पड़ेगा। मशीन के अंदर दोस्तों बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं और खासियतें दी गई है मशीन में। हर एक को आपको अलग अलग टेम्परेचर देना है, जैसे कि इसको सॉफ्टनेस कम रखना है, इसको हार्डनेस बढ़ाना है, तो अपने हिसाब से यहाँ डिस्प्ले में से आप सेटिंग कर सकते हो कि कितना सॉफ्ट रखना है, कितना हार्ड रखना है। एक ही मशीन वर्क अलग अलग कर सकते हो, मशीन एक ही है लेकिन काम अलग 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 तरीके का सब में कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मली शुगर केन को आपको ओनली ठंडा चील्ड ही देना है दोस्तों, स्नो नहीं बनाना है, तो 0 नंबर पे ओनली चील्ड जूस भी दे सकते हो। कोल्ड कोको को आपको स्नो बनाना है तो स्नो बना सकते हो, नहीं बनाना है तो टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हो। चारों चार का डिफरेंट टेम्परेचर, जैसे कि इसका 5 नंबर का, इसका 2 नंबर का, इसका 9 नंबर का, इसका 0 नंबर का, तो अलग अलग टेम्परेचर आप सेटिंग कर सकते हो। स्नो मेकिंग मशीन में दोस्तों हमारे पास विशाल रेंज है, सिंगल फ्लेवर, डबल फ्लेवर, 3 फ्लेवर, 4 फ्लेवर, 4 मॉडल्स अवेलेबल है सिंगल प्रोडक्ट में। एक ही मशीन में 4 प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है। आपका जैसा रिक्वायरमेंट, जैसा बचे बजट, जैसी जगह आपके पास, वो हिसाब से आप मशीन खरीद सकते हो दोस्तों। एक कप में मैं आपको दोस्तों मिक्स प्रोडक्ट भर के दिखाता हूँ, चारों चार का कॉम्बो मिक्स भर के दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे शुगर केन लेंगे थोड़ा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये गन्ने का जूस लेंगे थोड़ा यहाँ से, आप देखिए गन्ने का जूस लिया, उसके बाद यहाँ से हम ऑरेंज लेंगे थोड़ा। ये मिल्की आइटम है इसलिए हम मिक्स नहीं करेंगे, उसमें हम तीसरा नंबर का ही ले लेंगे, सीधा ब्लूबेरी का फ्लेवर है वही ले लेंगे, वाटर बेस वाले तीनों तीन ले लेंगे दोस्तों। ये आपका 4 कलर का प्रोडक्ट तैयार है दोस्तों, बेहतरीन, कितना बढ़िया लुक है आप देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन लुक आ रहा है इसका। शुगर केन आ गया, ऑरेंज का फ्रूट आ गया और ब्लूबेरी का आ गया। यहाँ पे जैसे हमने फोटोज डाला हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इमेजिंग करिए इसको, जो फोटो ग्राफिक्स में डाला है वही ग्राफिक्स यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। इसमें
तो इस तरह की दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी की मशीन की प्राइसिंग, कीमत, डिलीवरी कैसे मिलती है, कितने टाइम में बुकिंग है, मशीन का ऑर्डर देने के बाद कितने टाइम में मिलती है, इसकी हर एक डिटेल जानकारी के लिए वीडियो की ब्लिंकिंग में दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हर एक जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।